अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है, बट माय ब्रदर ध्रुवल पटेल पुशिंग मी ऑलवेज टू डू समथिंग डिफरेंट एंड वी हैव शॉट दिस सॉन्ग फॉर 6 days. 4 से 5 दिन हमने वी हैव शॉट इन एक्शन, मतलब पूरा पूरा दिन, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट चंक्स. मेरा जिस दिन जयपुर शो था उस दिन सुबह भी हम वी वर शूटिंग समथिंग इन चंडीगढ़, एंड देन आफ्टर जयपुर व्हेन वी केम हियर बैक इन मुंबई देन आल्सो वी वर शूटिंग समथिंग हियर इन मुंबई एंड ऑफ कोर्स इन हिमाचल. यू विल सी क्या क्या हमने किया है, बट इट इज हिज थॉट प्रोसेस. एंड पहले सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द शेड्यूल दैट आई हैड हम शायद वीडियो नहीं करने वाले थे बिकॉज टाइम ही नहीं था, बट बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से वी जस्ट फाउंड द राइट टाइम एंड वी हैव शॉट इट एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट म्यूजिक वीडियोज. आई डोंट नो अभी नेक्स्ट वाला आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगेगा. और किसी ने पूछा है व्लॉग आएगा क्या, ऑफकोर्स आएगा, ऑफकोर्स आएगा. यूजली जब when you are shooting for a song, बहुत ज़्यादा there's too much of stress कि आपको act करना है, ये करना है, वो करना है. In this song, I really, really enjoyed a lot. और इस song की shooting memories बहुत ज़्यादा है मेरे पास. There's this scene where I'm on the rock and I'm just looking at the trees. So जो मैं actually देख रहा था, what I was going through and what I was feeling, वो same चीज़ हमने we have tried to show it to you as well. It was so beautiful कि अभी मैं कैसे express करूँ, but yeah, वो मेरे लिए थोड़े time के लिए उस time पर वक्त रुक गया था and I was watching the trees and it was so beautiful. ऐसा मुझे लगा कि मुझे नींद आ जाएगा 10-15 मिनट का, शायद मैंने नैप ले भी लिया था आँखें थोड़ा बंद करके. It was very beautiful. So ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पहले एक बार देखो, फिर मैं सारी चीज़ें I'll keep sharing with you. But yeah, and from the team, Jigar Bhai, Shyam, Pallav, Avish, ये इन लोगों की वजह ये नहीं होते तो ये वीडियो नहीं बनता, because we have कहाँ कहाँ हम चले गए हैं to shoot this. And some surprises as well in the music video, वो अभी नहीं बात करेंगे. और केवल 8 मिनट बाकी है. ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक शादाब भाई, जो हम पूरा सब कुछ इतना सारा तामझाम लाइव करके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे लोग, इतना सारा कोरस लेके उनके पास पहुंच जाते, बट ऑलवेज यू ऑलवेज गिव अस द बेस्ट मिक्स एंड यू मेक श्योर दैट द सॉन्ग साउंड्स परफेक्ट. सो आपको एंड आई डोंट नो हाउ यू डू दिस मैजिक ऑलवेज के जो गाना होता है वो आप लास्ट में इतना जबरदस्त मिक्स करते हैं. इट साउंड्स सो ग्रेट. और अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू विल बी फॉर माई ब्लू फैमिली. दिस सॉन्ग इज फॉर यू गाइज एंड यू गाइज हैव बीन द कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू मी. अगर आप लोग इतना मुझे प्यार नहीं करते, इतना सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं ये इस तरह से गाने नहीं बना पाता, इतना मेरे आपको मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाता गानों से. बट आई नो कि कितना पैशनेटली आप मेरे गानों को प्यार करते हैं, सुनते हैं, और वही पैशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं सच में ऐसे मैं बहुत सारी जगहों पर जाता रहता हूँ और लोग मुझे आकर गले मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके गाने ने मुझे कितना सपोर्ट किया है. एंड जेन्युइनली आई डोंट नो, बट मैं ये जानता हूँ कि म्यूजिक के अंदर इतना पावर है, और कब जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब देन म्यूजिक इज देयर. और यही एक मेरे लिए रीज़न है म्यूज़िक बनाना, कि जब कोई कहाँ किसी शहर में अकेला होगा, आई विल बी राइट नेक्स्ट टू यू विथ माई सॉन्ग. सो आई जस्ट होप यू गाइज लाइक दिस सॉन्ग. एंड अब इतना ज़्यादा तो मैं शायद किसी गाने में, बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड. आई थिंक मैंने सबको थैंक यू बोल दिया. अगर कोई रह गया होगा तो मैं आई एम सॉरी, बट इट इज़ प्लीज़ और गाना आप देखो एंड जस्ट आप बताओ अभी कितना मिनट. इट इज इन, हाँ, इन 5 मिनट्स वी ऑल विल. अहमदाबाद का क्या प्लान है? अहमदाबाद मैं आ रहा हूँ 12th of Feb, अपना कॉन्सर्ट है, और कॉन्सर्ट में पी आर भी पहली बार गाने वाले हैं. तो जितने लोग अहमदाबाद से भी लाइव देख रहे हैं, 12th Feb को मिलते हैं. वाह, इतना वेट करता हूँ मैं कि कब लाइव आऊं और मैं इतनी सारी बातें करूं, एंड फाइनली आई शेयर द सॉन्ग विथ यू.
मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये गाना, व्हाट, एंड लिसन इट दो तीन बार सुनो, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू ग्रो. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ओरिजिनल मेलोडी थोड़ा सा टाइम लेगी ग्रो होने में, सो लिसन इट टू थ्री टाइम्स, जस्ट बी विद द सॉन्ग एंड देन प्लीज राइट योर मैसेजेस इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा. ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है. मुझे आज मेरी एग्जाम का रिजल्ट है ऐसा फील होता है कि मैंने जो हमने पूरे एक साल इतनी मेहनत की फॉर वन सॉन्ग एंड बनाते 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 चेंजेस करते 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 ये ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट इतने ड्राफ्ट, फाइनली इट फील्स लाइक द रिजल्ट डे. और आप लोग हमें मैं अमी आपका बचपन से फैन हूँ सर. थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो अगर किसी को थैंक यू कहना रह गया हो फ्रॉम द टीम, यू डिडंट सी आवर रिएक्शन सिंस लास्ट नाइट. ऑफ कोर्स आई हैव सीन एवरीथिंग. आपको लगता है मैंने देखा नहीं, मैंने सब कुछ देखा है. और फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. आई विल फील थोड़ा सा ओके वंस द सॉन्ग इज आउट. योर हेयर इज लुकिंग सुंदर, थैंक यू. द ऑडियो इज टू गुड दर्शन जी, थैंक यू. बस अब आपको वीडियो भी पसंद आ जाए तो हमारा यहाँ से हमारा काम खत्म होता है, अब आपका काम शुरू होता है सुनने का और इसे इंजॉय करने का. हैप्पी चॉकलेट डे, चॉकलेट डे है आज, वाह. तुम नुमाया राज हो तुम. ऑल्सो जो लोग नहीं जानते, नुमाया का मतलब है जाहिर, एवरीबडी नोज बट स्टिल यू आर माई सीक्रेट. क्या है, 4 minutes टू गो. और ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने कहा वाइस सो हॉट, आई डोंट नो, बचपन से ही शायद आदत होगी हॉट दिखने की. नुमाया का मतलब क्या है मैंने समझा दिया. जितने क्वेश्चंस हो सक रहे मैं रीड कर रहा हूँ, वो जो क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है वहां पर. तो प्लीज आज सारे लोग चॉकलेट खा लीजिए मेरी तरफ से. एंड मैंने ऑडियो सुन लिया, मजा आ गया, क्या बात है, अब वीडियो भी देख लेना. सुनो गाना रिलीज होने के बाद पूछने जरूर आना गाना कैसा लगा. मैं यूट्यूब पर ही रहूंगा तो मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ, तो वहां लिख देना फ्रॉम द लाइव एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग, तो मैं वो रीड कर लूंगा. आज पूरा दिन आपको पता ही है, आई एम गोइंग टू बी देयर. फॉर मी योर रिएक्शंस एंड रिव्यूज फॉर द सॉन्ग रियली मीन्स अलॉट. व्हेन वाज द सॉन्ग शूट, अभी थोड़े दिन पहले, लाइक अ वीक बैक. कौन सा लास्ट, बेलगाम का शो करके हम लोग निकले थे, वेंट टू चंडीगढ़, स्टेड द नाइट देयर, टुक द, वहाँ से हम कुल्लू का हम पहुँचे थे, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग वहाँ से आगे, एंड देन वी चेंज द प्लेसेस आल्सो, वी वेंट टू धर्मशाला एज वेल, और बहुत सारी जगह है. अच्छे से सोए हो. 3 minutes टू गो गाइज, 21,000 पीपल विथ मी. हम सब मिलकर इंडी म्यूजिक लेबल के YouTube चैनल पर जाएंगे और आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लव योर सॉन्ग्स, थैंक यू. आपके इस ग्लो का राज क्या है वो मैं आपको PRA के बाद बताऊंगा. देखने के बाद दर्शन आपका सॉन्ग सुन के सैडनेस जैसा फील होता है. मैं काफी सैड सॉन्ग बनाता हूँ, ये वाला जो है इसके लिरिक्स, हुक के लिरिक्स ऐसा लगता है कि सैड है, बट This is not a sad song. It's a very very romantic song. I hope. Haan. When are you coming to Pune? Pune mein abhi aaya tha. Next now I'm going to Ahmedabad. So 12th Feb ko main Ahmedabad hoon. Agar aap Ahmedabad ke aas paas ho to hum milenge Ahmedabad mein. So main aapko PRA wahan suna bhi dunga ga ke. Aur can you give me? Oh yeah. No, I cannot give you. Oh yeah. रिव्यू ऑफ योर सॉन्ग वो आप मुझे बताएंगे. इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई जस्ट होप सबको पसंद आए. आपके सारे ही रोमांटिक है. हाँ, काफ़ी रोमांटिक तो है गाने मेरे. इंस्पिरेशन टू PRA, इसका जवाब बाद में देता हूँ, बिकॉज लास्ट 1 मिनट. यू आर माई PRA, माई ब्लू फैमिली इज माई PRA. ओके गाइज, चलो लेट्स गो. एंड देखो PRA,
once again, thanks to my entire team and all of you. लास्ट टाइम मुझे थैंक्स कहने दो पूरी टीम को कि ये इट इज़ जस्ट नॉट मी, मैं सिर्फ फ्रंट फेस पे दिखता हूँ, ये पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है जिनके वजह से आप जो देखेंगे वो देखेंगे अभी. सो थैंक्स टू माय एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ यू, ऑल यू क्यूटीपाइज, रियली रियली लव यू अलॉट. थैंक यू. चलो लेट्स गो. चले 11 बज के आ गया चलो.